हाय स्वागत है आप लोग का डी न्यूज के थर्टी एपिसोड में मेरा नाम है कृपेश आडवाणी यहाँ पर हम लोग बात करते हैं डिजिटल टूल्स की न्यूज के बारे में बिना किसी डिले के स्टार्ट करते सबसे पहले यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं डोमेन न्यूज से सबसे पहली अपडेट आ रही है यहाँ पे गोड आर से गोड आर पे अब आपको हुविस्ट काउंट्स का फीचर वापस देखने को मिल जाएगा ये पहले भी था देन बाद में इसको डिसेबल कर दिया गया था अब इसको वापस ले लिया है क्या है ये इसके थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि आपके डोमेन नेम पे कितनी बार यहाँ पे हुईस इंक्वायरी हुई है मतलब कितनी बार लोगों ने सर्च किया है कि ये डोमेन नेम किसके नाम पे रजिस्टर है तो ये एक अच्छी चीज़ है इस काउंट से आपको यह पता चल जाएगा कि कितने लोग आपके डोमिन नेम में इंटरेस्टेड हैं या फिर कितने लोग एक्चुअल में सर्च कर रहे हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के बारे में उस डोमेन नेम के थ्रू तो आप लोग उसके हिसाब से अपने डोमेन नेम पे लैंडिंग पेज वगैरह क्रिएट कर सकते हो अगली अपडेट यहाँ पे एप्पल की तरफ से आ रही है एप्पल ने यहाँ पर वेव करके एक डोमेन है उसको यहाँ पर अपने अंडर अभी कर लिया है एक साल पहले इन्होंने इसी स्टार्टअप को एक्वायर किया था अब यहाँ पर उन्होंने डोमेन नेम को अपने पास यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया है ये क्या करता है ये बेसिकली वेव जो थी कंपनी ये स्मार्टफोन के थ्रू एन पेमेंट्स करते हैं मतलब ये रहा मेरा स्मार्टफोन तो अगर मुझे कोई भी पेमेंट करनी है तो मैं बस उस पर टैप करूंगा एंड देन मेरी पेमेंट वहाँ पर हो जाएगी तो ये देखते हैं एप्पल में शायद से आपको ये फ्यूचर आने वाले कुछ टाइम में देखने को मिल जाए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर होस्टिंग और क्लाउड स्टोरेज रिलेटेड न्यूज़ के बारे में सबसे पहले यहाँ पर अपडेट आ रही है क्लाउडवेज की तरफ से क्लाउडवेज काफ़ी अच्छी होस्टिंग है मैं खुद भी अपने पर्सनल ब्लॉग के लिए वही होस्टिंग का यूज़ करता हूँ इसका डिटेल रिव्यू मैं कर चुका हूँ आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा तो पहले क्या होता था यहाँ पर अगर कोई भी एप्लीकेशन या होस्टिंग अगर आप लोगों से गलती से डिलीट हो जाए सर्वर अगर डिलीट हो जाए तो फिर आप लोगों को कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट करना पड़ता था एंड वो एक दो दिन के अंदर उसको रिकवर करके दे देते थे, थे अब ये वाला फीचर ये सबके लिए इन्होंने ओपन कर दिया है आपको कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट नहीं करना पड़ेगा आप लोग खुद यहाँ पर उसको मैनुअली रिकवर कर सकते हो बिना किसी कस्टमर सपोर्ट की हेल्प की अगर आपसे गलती से डिलीट हो जाए तो आपके पास पंद्रह दिन रहते हैं अपने सर्वर या एप्लीकेशन को रिकवर करने के लिए अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है क्लाउड की तरफ से क्लाउड भी एक अच्छी होस्टिंग है इसका भी मैं डिटेल रिव्यू कर चुका हूँ पहले क्लाउड ने यहाँ पर कुछ रिसेंटली अपडेट्स करी है सबसे पहला है इनका नया यूआई आपको इनके होम पेज का नया यूआई देखने को मिल जाएगा अंदर से डैशबोर्ड में भी इन्होंने कुछ यू चेंजेस करे हैं देन यहाँ पे इनोट काउंट इंक्रीज हो गया है स्टार्टर प्लान में पहले डेढ़ लाख थे अब वो ढाई लाख हो गए प्रो प्लान में टू थे अब थ्री हो गए अरबो में थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड थे अब ये फाइव लाख इनोट्स हो गए सो so, अच्छा खासा यहाँ पे इनोड काउंट इंक्रीज़ हुआ है मेलवेयर स्कैनर भी आ चुके हैं और पी एच पी एक्सरे भी यहाँ पर आया है जिसके थ्रू अगर आपकी पी एच पी वेबसाइट स्लो चल रही है तो वो भी बता देगा एंड रिसेंटली इन्होंने मुंबई में भी अपना डेटा सेंटर ये लोग लिया है पहले बैंगलोर में था लेकिन शायद से अब इन्होंने उसको मुंबई में शिफ्ट कर दिया है एंड रीसेलर होस्टिंग के प्लांस की भी यहाँ पर कुछ लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है फ्री बिलिंग सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं रीसेलर प्लांस के ऊपर तो काफी मेजर अपडेट्स करिए यहाँ पर क्लाउड ने अपने सारे प्लांस में अपनी पूरी वेबसाइट के ऊपर अगली यह अपडेट यहाँ पर आ रही है गूगल ड्राइव से पहले गूगल ड्राइव का जो डेस्कटॉप वर्जन था और जो इनका बैकअप एंड सिंक फंक्शनैलिटी वाला वर्जन था उसके लिए आपको दो सेपरेट सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ते थे अब यहाँ पर दोनों सॉफ्टवेयर एक ही बन जाएंगे गूगल ड्राइव फॉर डेस्कटॉप के नाम से आएंगे सिंगल सॉफ्टवेयर रहेगा जिसके थ्रू आप लोग गूगल ड्राइव को भी एक्सेस कर पाओगे और सिंक करने के लिए भी उसी का यहाँ पर यूज करोगे अच्छी चीज है आ, एक ही सॉफ्टवेयर रहे तो ज़्यादा बेटर है मैं यहाँ पर पर्सनली पी क्लाउड का यूज़ करता हूँ सिंक करने के लिए अब बात करते हैं कुछ साइबर सिक्योरिटी वी और पासवर्ड मैनेजर के बारे में सबसे पहले यहाँ पर अपडेट आ रही है मोबी क्विक की तरफ से मोबी क्विक का रिसेंटली एक डेटा ब्रीच हुई थी जो कि काफ़ी बड़ी डेटा ब्रीच थी ये अराउंड मार्च में हुई थी एंड रिसेंटली वो लोग यहाँ पर आई के लिए फाइल कर रहे हैं तो जो उन्होंने प्रोस्पेक्टस शेयर किया है उसमें ये लोग ये कह रहे हैं कि उनकी जो डिजिटल फॉरेंसिक ऑडिट करी गई है उनके थ्रू उनसे ये पता चला है कि उनकी तरफ से उनके सर्वर पर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है एंड देखते हैं अब ये कितना सच है और कितना झूठ अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है वन पासवर्ड की तरफ से वन पासवर्ड ने यहाँ पर अपनी इवेंट्स एपीआई को लॉन्च कर दिया है उनके बिजनेस कस्टमर्स के लिए मींस जो ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपर्स हैं उनके लिए ये एक अच्छी चीज है विथ ए पी आई दे कैन गेट रिपोर्ट्स उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यहाँ पे रिपोर्ट्स मिल सकती है ग्राफ्स बना सकते हैं कस्टम अलर्ट्स यहाँ पे बना सकते हैं तो जिस तरह की उनको रिपोर्ट्स बनानी है जिस तरह का उनको कस्टमाइजेशन करना है वो ए पी आई के थ्रू यहाँ पर कर पाएंगे तो बिजनेस यूजर्स के लिए ठीक है लेकिन नॉर्मल यूजर्स के लिए कुछ काम का नहीं है अगली अपडेट यहाँ पे अगेन वन पासवर्ड से आ रही है वन पासवर्ड का ये कहना है कि जो उनका पासवर्ड मैनेजर है वो रेडी है मैक ओएस मोनेरिक लिए एंड ये मैक ओ एस की नेक्स्ट अपडेट रहेगी अभी फ़िलहाल ये बीटा में ही है देखते हैं कब तक इसका स्टेबल वर्जन आता है मैं तो रिसेंटली बिग सर में अब अपडेट करूंगा अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं है मोनेरे को यूज़ करने का मैक के लिए अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ ब्लॉगिंग और वर्ड रिलेटेड न्यूज़ के बारे में सबसे पहली अपडेट यहाँ पर आ रही है वो कॉमर्स से वो कॉमर्स में एक काफ़ी क्रिटिकल वेलेबिलिटी थी जिसको यहाँ पर अब रिजोल्व कर दिया गया है तो अगर आप लोग वो कॉमर्स या फिर वो कॉमर्स ब्लॉग का यूज़ कर रहे थे तो अपने वर्जन को यहाँ पे अपडेट कर लीजिएगा एटलीस्ट फाइव वर्जन पे ताकि वो सारी आपकी वलनेबिलिटीज़ जो थी वो रिजॉल्व हो जाए अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है ग्यूटनबर्ग 11.0 पॉइंट से ये अभी रिसेंटली आया है एंड यहाँ पे सेवेंटी बग फिक्सेस करे गए हैं सेवेंटी विच इज एक्चुअली अ लॉट अभी यहाँ पे वर्डप्रेस 5.8 फाइव पॉइंट एट भी आने वाला है जो की जुलाई ट्वेंटी तक आ जाएगा एंड उसमें आपको ग्यूटन बग इलेवन के ये सारे बग्स फिक्सेस भी देखने को मिल जाएंगे आई जस्ट होप कि इसके साथ कोई और नए बग्स भी ना आ जाए अब बात करते हैं हम लोग कुछ जनरल डिजिटल न्यूज़ के बारे में सबसे पहले यहाँ पर अपडेट आ रही है गूगल मीट से लास्ट ईयर टू में गूगल मीट में कुछ अपडेट्स आए थे कोविड की वजह से कि कोई भी ग्रुप कॉल्स में यहाँ पर लिमिटेशन नहीं रहेगी अब वो सारे जो अपडेट्स है उसको हटा गया हटा दिया गया है अब लिमिटेशन यहाँ पर वापस आ गई है मतलब जितने भी ग्रुप कॉल्स होंगे वो मैक्सिमम यहाँ पर सिक्सटी मिनट्स के होंगे उसके बाद वो ऑटोमेटिकली एंड हो जाएंगे वन ऑन वन कॉल्स जो रहेंगे वो ट्वेंटी फोर आवर्स तक चल सकते हैं अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है पे की तरफ से पेटीएम ने यहाँ पर अपना आई पी ओ फाइल करने का प्लान कर दिया है जो ये लोग यहाँ से रेस करना चाह रहे हैं अराउंड डॉलर टू पॉइंट टू बिलियन क्या आप लोग पे में इन्वेस्ट करोगे डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है नॉर्टन लाइफ लॉक से ये लोग प्लान कर रहे हैं आवाज़ को बाय करने के लिए आवाज़ जो कि एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है नॉटन लाइफ लॉक के पास भी उनका खुद का नॉर्टन एंटीवायरस भी अब वो आवाज़ भी लेने का यहाँ पे प्लान कर रहे हैं और इस डील की यहाँ पर एस्टिमेटेड वैल्यू अराउंड आठ बिलियन के ऊपर ही आएगी अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है मास्टर कार्ड के बैन को लेकर के इंडिया ने यहाँ पर मास्टर कार्ड्स को बैन कर दिया है नए कार्ड इशू करने के लिए अगर आपके पास पहले पुराना कोई मास्टर कार्ड होगा तो वो अभी भी काम करेगा लेकिन कोई नए कार्ड्स यहाँ पर इशू नहीं करे जाएंगे क्योंकि इन्होंने यहाँ पर एक रूल को वायलेट किया है अभी तक वायलेट नहीं किया है एक्चुअल में उस रूल को इन्होंने फॉलो ही नहीं किया है अभी तक जब से लेके ये वाला रूल आया था कि जो भी इंडिया के ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो इंडिया के सर्वर पर ही रहना चाहिए तो उन्होंने ये नहीं किया था अब जब ये लोग इस रूल को फॉलो कर लेंगे तब वापस से मास्टर कार्ड इशू होना स्टार्ट हो जाएंगे अगर आपके पास पहले से है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग उसका यहाँ पर यूज कर सकते हो अब इससे पहले मैं यहाँ पर डील्स के बारे में बात करूँ अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्सअप दे दीजिएगा नहीं अच्छा लगा तो उसको डिसलाइक कर दीजिएगा तो सबसे पहली डील यहाँ पर आ रही है डब्ल्यू पी रॉकेट की तरफ से कैशे के लिए अच्छा लगन है ये मैं खुद भी इसका पर्सनली यहाँ पर यूज करता हूं अगर आपको कैशे के लिए लगेन चाहिए तो इसकी तरफ देख सकते हो एट प्रेजेंट यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ट्वेंटी का ऑफ देखने को मिल जाएगा ये जुलाई ट्वेंटी फर्स्ट को एंड हो जाएगा तो अगर आपको चाहिए तो देख सकते हो देन यहाँ पे अगेन ब्लू हाउस डॉट कॉम से इस वीक भी है लास्ट वीक भी थी अगर आपको ब्लू हाउस डॉट कॉम चाहिए तो देख सकते हो एट प्रेजेंट यहाँ पर सिक्सटी फाइव परसेंट तक का आपको ऑफ आप देखने को मिल जाएगा देन चीप पर भी इस हफ्ते भी है लास्ट वीक भी थी यहाँ पर डॉट को डोमेन पर आपको रुपीज़ थ्री हंड्रेड तक मिल जाएगा ये आज खत्म हो जाएगा तो अगर आप लोग चाहिए तो देख सकते हो देन यहाँ पे कैनवा से आ रही है कैनवा यहाँ पर कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करा रहा है ऑनलाइन इवेंट्स रहेंगे या वेबिनार टाइप रहेंगे अगर आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड हो या फिर कैनवा डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड हो तो इसको अटेंड कर सकते हो फ्री टू अटेंड है ये जुलाई नाइनटीन से स्टार्ट हो जाएंगे एंड देन अलग अलग यहाँ पे हर तरह के आपको इवेंट्स देखने को मिल जाएंगे चाहे वो वीडियोज़ हो जाए चाहे वो मोबाइल डिजाइनिंग हो जाए यूट्यूब थमनेल्स हो जाए बहुत सारे यहाँ पे इवेंट्स है एक पूरा एक महीने का ये इवेंट है तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कैनवा सीखने के लिए तो इन इवेंट्स को अटेंड कर सकते हो फ्री टू अटेंड है ये सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको थम्स अप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए एंड आई विल सी गाइज इन द नेक्स्ट वन गुड बाय